बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजय देवगन की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म बादशाह सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार दर्शक कई महीनों से कर रहे थे। इस एक्शन से भरी फिल्म में विद्युत जामवाल, ईशा गुप्ता, इलियाना डी क्रूज और इमरान हाशमी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है और ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। तो आइए आपको सिर्फ पॉइंट्स में बताते हैं कि आपको क्यों देखनी चाहिए बादशाह। नंबर वन, छह चोरों की कहानी। यह एक पीरियड फिल्म है जिसमें इमरजेंसी के दौरान का समय दिखाया जाएगा। अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो यह ऐसे छह चोरों की कहानी होगी जिन्होंने 1975 की इमरजेंसी के दौरान एक सोने से भरे ट्रक को लूटा था। इसको लिखने और डायरेक्ट करने का काम मिलन लुथरिया ने किया है। नंबर टू, जबरदस्त एक्टिंग। फिल्म में कलाकारों की एक्टिंग को लेकर तो कोई शक है ही नहीं। डायरेक्टर मिलन लुथरिया अपने कलाकारों की हर सीन में परीक्षा लेते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों में कलाकार अपने करियर की सबसे बेहतरीन अदाकारी करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि बादशाहों में भी दर्शकों को कलाकारों की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलेगी। नंबर थ्री, एक्शन से भरपूर। अब इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इस फिल्म में लोगों को ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद अजय देवगन है और दूसरी बड़ी वजह विद्युत जामवाल है। दोनों ही कलाकार कमाल का एक्शन करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बादशाहों में इन दोनों का वो अंदाज लोगों को देखने को मिलेगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा है। नंबर फोर, मिलन, अजय और इमरान की तिकड़ी। आपको अगर ध्यान हो तो फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में मिलन, अजय और इमरान की तिकड़ी ने काफी धमाल दिखाया था। वह फिल्म आज भी लोगों के जहन में है। हमें पूरी आशा है कि बादशाह से भी यह तिकड़ी वही कमाल दिखाने में कामयाब रहेगी। नंबर फाइव, इमरान हाशमी का नया अवतार। इस फिल्म में इमरान हाशमी एक नए अवतार में नजर आएंगे। इमरान का लुक देखिए कहा जा सकता है कि इस फिल्म में जो किरदार निभाने वाले हैं वह उनके पहले के किरदार से काफी अलग है, जिस कारण लोगों को उन्हें इस अवतार में देखने का इंतजार है। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा ये चैनल।